दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। श्री बाबालाल दयाल सेवा संघ की ओर से श्री 1008 महंत श्री राम सुंदरदास जी के आशीर्वाद से तीसरी विशाल पैदल शोभा यात्रा लुधियाना से शुरू होकर दकोहा फाटक पर पहुंची, जहां पर दकोहा निवासियों की ओर से संघ के सभी सदस्यों को सिरोपे भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धार्मिक संस्थाओं की ओर से शोभा यात्रा के मार्ग में लंगर लगाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। इस मौके पर काउंसलर मदन लाल शर्मा, बलबीर सिंह बिट्टू, राजकुमार राजी, पंडित दीनदयाल शर्मा, जय वडेरा, अजय, इंद्रजीत सिंह भाटिया, बब्बू पन्नालाल, रानी शर्मा, ममता शर्मा, पूनम शर्मा, मंजू शर्मा, सुषमा शर्मा सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद थे। श्री सतगुरु बाबा लाल दयाल जी ज्ञानपुर वासी तिलका वाले स्वामी जी की तीसरी पैदल यात्रा जी लुधियाने चलती है और उतों लुधियाने तो पैदल चल के इसे ध्यानपुर गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट महाराज के दरबार से जाके अपना पैदल यात्रा करते हैं। असी सारी संगतं बहुत बहुत धन्यवादी हाँ कि जेडे कि इस शोभा यात्रा के नाल मिल के पैदल यात्रा के नाल साडा सहयोग बधाते हैं। महाराज जी सदा ही इन्हां ते कृपा बनाई रखन और महाराज इन्हां नूं चढ़दी कला च रखे जिहड़े संघ जिहड़ा पैदल यात्रा करदा। अज श्री बाबा लाल दयाल जी ध्यानपुर वालियां दे श्रद्धालुआं वल्लों पैदल यात्रा लुधियाना तों चल के ध्यानपुर उन्होंने जाना है। ये तीसरी जी उन्हों की पैदल यात्रा है और साढ़े अज इस खोआ नगर के खोए की संगत वालों जी श्रद्धालु से बाबा जी के पैदल यात्रा से जा रहे हैं उन्होंने लिए लंगर का बंदोबस्त किया और सारे संगत बहुत उत्साह से कोई ही कामना करते हैं परमात्मा के सारे श्रद्धालुओं की जिस भी भावनावान के नाल अच्छ हाजिर पा रहे हैं।